हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमारे पास ये सारणी दी है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका हमें माध्य ज्ञात करना है। ओके, तो माध्य ज्ञात करने की बहुत सी विधियाँ होती हैं, यहाँ पे हम कौन सी विधि लगाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसका कि ये फॉर्मूला है, तो हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दूसरी विधि अप्लाई करते हैं तो उससे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी विधि प्रयोग करना चाहो, कोई भी विधि लगाकर माध्य ज्ञात करना चाहो, आप लगा सकते हो। हर विधि से आंसर एक जैसा ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं प्रयोग करूँगा पग विचलन विधि का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो आंकड़े लिखे हैं, उसको इस टेबल में लिखते हैं। तो जो SO2 की सांद्रता है वो है 0.04 से 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12, 0.16, 0.16 से 0.20 and 0.2 से 0.24। अंडरस्टैंड। और जो बारंबारता है वो ये है 4, 9, 9, 2, 4, 2, ठीक है। अब इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें x ज्ञात करना होता है और वो इसका मध्य बिंदु होता है। तो 0.00 और 0.04 के बीच में 0.02 आता है, बहुत आसान है। अगर नहीं समझ आता है तो इनको प्लस करो। इन दोनों को प्लस करते हैं और दो से भाग हम दे देते हैं, तो यह आएगा 0.04/2, जो कि 0.02 है। अगला 0.06 आएगा, फिर 0.10, फिर 0.14, 0.18 एंड 0.22। ओके, अब यहाँ पर हमें एक ए लेना है। अब ए बीच बीच का होना चाहिए। तो देखो, ए किन से चुनते हैं, जो एक्स होता है उसमें से ही ए चुनते हैं, अज्यूम्ड मीन यानी काल्पनिक कल्पित माध्य। तो बीच में ये दोनों हैं, अब दोनों में से कौन सा लें, तो कोई भी हम ले सकते हैं। वैसे मैं जो छोटा वाला है उसको प्रिफर करता हूँ, ए लेना। तो यहाँ पर इससे हम माइनस करेंगे एक्स से, तो 0.02 से इसे माइनस करेंगे तो आएगा -0.08, -0.04, ये ज़ीरो है, फिर ये आएगा 0.04, 0.08, 0.12। ओके, अब हमने इसे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड, देखो यहाँ पे h से हम डिवाइड कर रहे हैं। h क्या होता है, यहाँ पर इनका अंतर होता है 0.00 से 0.04, इनका अंतर क्या है, ये है 0.04, इसका डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसमें डिवाइड करें 0.04 से, तो आएगा -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब देखो कितना सिंपल हो गया है ना। अब हमें गुणा करना है u का और f का, तो गुणा करके क्या होगा, 4 × 8 -9, 0, 2 × 2, 4 × 8, 3 × 6। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इसे। ओके, तो देखो ये और ये तो कट जाएगा, ये एक ट्रिक होती है कैलकुलेट करने की। और यहाँ पर ये -9 है और प्लस का यहाँ पे 6 × 2 = 8 है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ पे ये, अच्छा ये ध्यान रखना, आप यहाँ मत काट देना, ठीक है ना, ये तो बस एक कैलकुलेशन के लिए था। और दूसरा जो सिंपल तरीका है, देखो इनको मिला के ये आएगा -17 और इनको मिला के आएगा 8, 6, 14 और 2, 16। तो भी आप देख सकते हैं -17 + 16 - 1 होता है anyway। और इसके अलावा हमें जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे f, इनका योग करना होता है। तो देखो ये क्वेश्चन में ही दिया होता है, और अगर नहीं दिया है तो हम इसको प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये 30 है, 30। वेल, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो a है 0.10, ये -1 है अपॉन ये 30 है, गुणा h जो है यहाँ पे वो है 0.04। ओके, 0.10 - 0.04/30।
अब इसे कैलकुलेट करना है, 0.10 माइनस, तो ये आ जाएगा ये यहाँ पे जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0.00133 और ये माइनस करके आएगा 0.098 67 और फाइनली ये आ जाएगा, मतलब राउंड ऑफ अगर हम करके लिखना चाहें तो इसको 0.099 लिख सकते हैं, ठीक है ना, राउंड फिगर में। और ये हमारा आंसर आ गया, इतना PPM सांद्रता है SO2 की, औसत माध्य सांद्रता, तो ये हमारा आंसर आ गया है। ओके ऑलराइट वेल, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। कोई डाउट हो पूछना कमेंट बॉक्स में, बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।